देखिए, ऑफिशियली एशिया कप 2022 का आगाज़ तो हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पीछे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और अफगानिस्तान का टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू हो रहा है। लेकिन सारा जो हाइप है, सारा जो मीडिया अटेंशन है, अभी अभी ये ICC क्रिकेट एकेडमी में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ICC क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान टीम जो है अभी प्रैक्टिस करने के लिए आई है। इंडियन टीम दे आज उनका एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, फिर भी बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कि रोहित भी आया था। रोहित डिड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस उतना नहीं किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव, KL राहुल और ऋषभ पंत तो बड़े बड़े छक्के मार रहे थे नेट्स में। तो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जो कल के 11 में होने के उनके चांसेस हैं, वो आज नेट में बहुत टाइम बिताए उन्होंने। और कल का जो मुकाबला है इंडिया के लिए, बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। लेट मी टेल यू दैट, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान गेम तो एक बड़ा होता ही है, लेकिन कल का जो मुकाबला है कि विदाउट बुमराह इंडिया कैसे, इंडियन बॉलिंग अटैक के ऊपर एक प्रेशर होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम यहाँ पर मिले थे, पाकिस्तान ने 10 विकेट से वो मैच जीता था। हालांकि ऑब्वियसली इंडिया डिड नॉट हैव द लक इन द टॉस, क्योंकि और उस टूर्नामेंट में ऐसा हाल था कि टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था एक। लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक जो मैंने देखा है कि शाम के वक्त उतना जो ड्यू है उतना नहीं होता है। फिर भी मुझे लगता है कि टॉस थोड़ा बहुत तो फैक्टर होगा ही, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे था। टीम कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली जो हार्दिक के इस T20 सेटअप में होने से बहुत ही बैलेंस बन जाता है। तो हार्दिक कैन बी इंडिया थर्ड सीमर एंड ही कैन ऑब्वियसली ही विल बैट एट नंबर 6 और 5। सो पाकिस्तान ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा मिस है। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वासिम भी जो जूनियर ऑलराउंडर है वो भी बाहर हो चुके हैं एशिया कप से इंजरी की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है न्यू बॉल से, उनका जो वो हमने जो देखा था कि एशिया वर्ल्ड कप के टाइम पे कि न्यू बॉल से बहुत ही खतरनाक होता था पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 ओवर वो विकेट लेके जाते थे शाहीन एंड अदर्स, वो थोड़ा सा मिस होगा, वो एलिमेंट थोड़ा सा मिस होगा। लेकिन नसीम शाह, बहुत पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनके बारे में बहुत अच्छा असेसमेंट दे रहे थे कि नसीम शाह कैन बी द नेक्स्ट शाहीन शाह अफरीदी। सो वो हमें देखना होगा कि वो कैसा करते हैं। बाकी तो उनका बैटिंग एंड लाइनअप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टॉप हैवी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टॉप हैवी है, बट स्टिल T20 और स्पेशली इन दीज कंडीशंस में थोड़ा सा T20 क्रिकेट में आपको आप अगर एक बैट्समैन कम भी हो तो ठीक है, चल जाएगा, मतलब क्वालिटी बैट्समैन। हालांकि उनका नंबर 7-8 तक लोग बैट्समैन है जो है वो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वालिटी बैट्समैन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये जो कल का जो मैच होगा वो सेम पिच में खेला जाएगा जिस पिच में आज का मैच हो रहा है। तो थोड़ा सा पिच यूज्ड पिच होगा, थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिलेगा, और अगर स्पिनर्स को थोड़ा सा मदद मिलता है तो इंडिया हैव ए क्वालिटी ऑफ वेल क्वाइट अ फ्यू क्वालिटी ऑप्शंस देयर। और अगर थोड़ा सा आज का एक्चुअली रोहित भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोल रहे थे कि आज अगर वो देखते हैं, आज अगर पिच में थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिलता है, और अफगानिस्तान को तो आपको पता ही कि दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स इन देयर लाइनअप, तो अगर उनको मदद मिलता है तो यू नेवर नो, इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकता है। और हार्दिक और भूबी ऐसे पेस बॉलर बॉलिंग कर सकता है। हालांकि इंडिया विल डेफिनेटली एज ऑफ नाउ, जितना मैंने प्रैक्टिस देख के समझा है, इंडिया इज विलिंग टू गो विथ बोथ भूबी एंड आइदर ऑफ अक्षदीप और आविश खान, एंड हार्दिक विल बी द थर्ड सीमर। बट फिर भी अभी आप आज के मैच के ऊपर इंडियन टीम जो है अपना कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। तो रे स्पोर्ट्स में आप देखते रहिए, ये सारे ये पूरा एशिया कप का कवरेज हम लाइव ग्राउंड जीरो से आपके लिए लेके आ रहे हैं। पूरा नेट्स का कवरेज हम दिखाएंगे आपको, और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चन बताएं, तो नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो करेंगे आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं संदीपन बैनर्जी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ICC क्रिकेट एकेडमी।